उत्तर प्रदेश की जनपद मैनपुरी में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई। 21 साल से कर रही थी फर्जी शिक्षिका नौकरी, गुमनाम व्यक्ति की फोन पर लिया शिक्षा विभाग ने संज्ञान। फर्जी शिक्षिका के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज, पुलिस कर रही है मामले की जांच। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में फर्जी शिक्षकों का खुलासा करते हुए उनकी गर्दन पर तलवार लटका दी है, तो वहीं योगी सरकार ने फर्जी शिक्षकों की जांच कराते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है, जिसके चलते मैनपुरी में अनामिका शुक्ला जैसा मामला एक और सामने निकल कर आया है। मैनपुरी जनपद में शिक्षा विभाग के नाक के नीचे पिछले 21 वर्षों से एक फर्जी शिक्षिका नौकरी करती रही और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की आंखें बंद करके सोते रहे। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक गुमनाम व्यक्ति ने फोन के माध्यम से बताया कि प्राथमिक विद्यालय गुराई में बिमलेश कुमारी नाम की महिला, जो विद्यालय की प्रधानाध्यापिका है, उसके सभी प्रमाण पत्र फर्जी हैं और वो किसी और के प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रही है। जिसकी जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग हरकत में आया और उक्त शिक्षिका की जांच शुरू कर दी, तो जांच में पाया कि उक्त शिक्षिका फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रही है। शिक्षिका के फर्जी पाए जाने पर शिक्षा विभाग ने शिक्षिका के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संज्ञान में एक मामला आया है जिसमें आपने कार्रवाई भी की है, शिक्षिका फर्जी थी जो 21 साल से नौकरी कर रही थी, पूरा मामला क्या था? ये बिमलेश कुमारी नामक एक शिक्षिका थी जो जनपद मैनपुरी के ब्लॉक धीरोर में घुराई स्कूल में विद्यालय में ये कार्यरत थी। इनकी शिकायत आई थी व्हाट्सएप के माध्यम से और फोन के माध्यम से कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे नौकरी कर रही हैं और इसी डॉक्यूमेंट्स पे जो ओरिजिनल शिक्षिका हैं वो एटा के जैथरा ब्लॉक में अमृतपुर नाम के स्कूल में कार्यरत है। इसकी विधिवत जांच कराई गई थी। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध पाया गया, तत्काल प्रभाव से इनका वेतन रोका गया था और खंड शिक्षा अधिकारी धीरोर के माध्यम से इसकी जाँच कराई गई। एटा में भी हमने इनको भेजा था, संबंधित कॉलेज में जाकर इन्होंने वेरीफाई किया था इनके डॉक्यूमेंट्स को और वो जो एटा के और ये पाया गया कि जो एटा में जैतरा में शिक्षिका कार्यरत है उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स पे 1999 से ये मैनपुरी जनपद में नियुक्त थी बिमलेश कुमारी। इनकी जांच करा के समिति की बैठक करा के इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कर दी गई है और आगरण करा के रिकवरी के लिए इनको पत्र भी जारी किया जा रहा है। अभी सर इनके खिलाफ जो FIR दर्ज कराई गई है, इस दौरान इस महिला ने अपना पक्ष रखा या कोई आपके पास? इनको नोटिस दिया गया था और न्याय हित में, यद्यपि ये फर्जी पाई गई थी लेकिन न्याय हित में अपना पक्ष रखने के लिए समिति के समक्ष इनको बुलाया गया था। उसके पूर्व भी एक नोटिस देकर मैंने इनको बुलाया था ऑफिस में अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन दोनों ही बार ये अनुपस्थित रहे। वहीं सर अगर हम बात करें तो 21 साल का टाइम बहुत लंबा पीरियड होता है, कहीं ना कहीं कुछ तो त्रुटि रही होगी जिसकी वजह से इतना लंबा ये समय चलती रही और विभाग नियुक्ति के समय जरूर कुछ त्रुटियाँ रही होंगी और वो विवेचना में वो सारी बातें खुल कर आएंगी। और निश्चित तौर पर इन्होंने विभाग को एक लंबे समय तक गुमराह किया था, गुमराह करके ये वेतन लेती रही, पढ़ाती रही, लेकिन अब जांच में सब कुछ खुल चुका है, इनके ऊपर FIR भी दर्ज हो चुकी है, जो सारी बातें हैं विवेचना में खुल कर आएंगी।